दोस्तों अभी आईसीआई की एक नई अनाउंसमेंट आई हुई है और ये अनाउंसमेंट है उस प्रीवियस अनाउंसमेंट पे जो कि आईसीआई ने निकाला था अपने आईसीआईटीएसएस टेस्ट के लिए। तो मैं आपको वो अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ जो प्रीवियस अनाउंसमेंट थी, ये वाली है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी थी। ये अनाउंसमेंट है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी थी। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज थे कि इसमें किसको एनरोल कराना है, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आईसीआई ने आज एक अनाउंसमेंट करी है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं सबसे पहले हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन का बेल है, मतलब बेल आइकॉन है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जब तक वो बेल क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो फटाफट अभी जाकर के तुरंत अभी सेम टाइम अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स CA फाइनल में हैं उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ताकि वो May 18 का अटेम्प्ट दे पाएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट और ये है इम्पॉर्टेंट है ICITSS और ITT दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने एडवांस IT और ICIT एडवांस ICITSS करा हुआ है ऑलरेडी और वो देना चाहते हैं May 18 का एग्जामिनेशन। तो फिलहाल में ये जो अनाउंसमेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको प्रीवियस अनाउंसमेंट दिखाता हूँ। ये अनाउंसमेंट थी जो कि ICAI ने अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 2 जनवरी को पब्लिश हुई थी। 1 जनवरी को अनाउंसमेंट आई थी, बट वेबसाइट पर 2 जनवरी को पब्लिश हुई थी। तो 2 फरवरी को मैंने एक अनाउंसमेंट की ये वीडियो बना करके अपलोड करी थी, और ये जो अनाउंसमेंट थी ये ICITSS के बारे में थी कि इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स 21 जनवरी, 18 फरवरी और 18 मार्च को रखी गई हैं, जो एग्जामिनेशन है इसका। और एग्जामिनेशन जो है पेन और पेंसिल मोड है, और क्योंकि नॉर्मली तो अभी तक तो ऑनलाइन टेस्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार ICAI ने पेन और पेपर टेस्ट रखा हुआ है, और केवल ये स्टूडेंट उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने ITT मतलब एडवांस ITT कर रखा है और एडवांस ICITSS कर रखा है और May 18 में अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो May 18 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन को देख करके कन्फ्यूज हो गए थे और शायद इंस्टीट्यूट को कई सारे फ़ोन मिल गए थे उसके रिगार्डिंग, कन्फ्यूजन्स इंस्टीट्यूट को लगा होगा। तो अभी इस क्लैरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट निकाली हुई है 5/1/2018, मतलब 5 जनवरी को ये अनाउंसमेंट निकाली हुई है। मैं अनाउंसमेंट आपको दिखा देता हूँ अभी, ये अनाउंसमेंट है, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल पढ़ के बता देता हूँ। इसमें से एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी दोज हू हैव कंप्लीटेड द एडवांस ICITSS एडवांस ITT कोर्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस टेस्ट। तो एडवांस ICITSS जिसने कर रखा है या एडवांस ITT जिसने कर रखा है, उनको टेस्ट कंपलसरी है देना। मोड है पेंसिल मोड, मतलब ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, पेन और पेंसिल मोड होगा। देन फ्रीक्वेंसी होगा, अभी तो फिलहाल में ये जनवरी फरवरी मार्च में अनाउंस हो चुका है, आगे जैसे ही टेस्ट होंगे उसके लिए अनाउंसमेंट होती जाएगी। ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, टाइमिंग जो होगी 10:30 to 12:30 होगा, और MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल टाइप टिक करने वाले क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे पासिंग रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखे थे, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द क्वेश्चन पेपर होम, मतलब घर पे आप लेके नहीं जा सकते हैं, OMR शीट आपको वहीं पे सबमिट करनी पड़ेगी। और पासिंग रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 40% मिनिमम सिक्योर करना होगा, और यहाँ पे ग्रेड्स दिए जाएंगे, और ग्रेड्स कैसे होंगे, 85% एंड एवो A+ उनको दिया जाएगा, 75 to 84% ए, 55% to 69% B+ एंड देन 40% to 54% ये बी। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फी तो कोई फी नहीं है, अगर आपने ICITSS या ITT कर रखा है तो वो सारी की सारी फी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। बट इन केस अगर आप ये टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो दोबारा आपको 500 रुपीज़ पे करके, और जब भी टेस्ट अनाउंस होगा वो आप टेस्ट दे पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ कि कैंडिडेट्स विथ परमानेंट डिजेबिलिटी एंड होल्डिंग ए परमानेंट कंसेशन कार्ड विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग फी। तो अगर किसी के पास ऐसा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी है और उसके पास उस डिसेबिलिटी का कार्ड है, मतलब एग्जेम्पशन कार्ड है, तो उसके लिए फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है।
देन कंसेशन कैंडिडेट विथ डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट जो डिसेबल हैं तो वहाँ पे अगर उनकी डिसेबिलिटी लेस देन 50% है तो उनको आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 50% से ज़्यादा है तो एक घंटे का एक्स्ट्रा टाइम, और साथ में अगर वो चाहें तो राइटिंग लिखने के लिए एक उनको पर्सन भी दिया जाएगा, मतलब असिस्टेंट ऑफ राइटर विल बी प्रोवाइडेड इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद आपको एक सेपरेट इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका जो CA फाइनल का रिजल्ट होगा उस रिजल्ट पे आपका ग्रेड लिखा होगा, मतलब आपने अगर A+ स्कोर कर रखा है तो A+ लिखा होगा, देन A B+ B ऐसे आपके वहाँ पे इंडिकेशंस दे रखी होंगी। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड रिजल्ट्स इंक्लूडिंग द ग्रेड्स ऑब्टेंड विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट, नो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ मार्क और पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड, और तो मतलब उसके लिए सेपरेट कोई मार्कशीट नहीं होगी, वो ऑलरेडी होस्टेड होगा। और यहाँ पे कुछ और भी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे रखा है, वहाँ पे जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये मेल आईडी है advancedicits_exam_helpline@ICI.in, तो ये मेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल लिख सकते हैं। और जो वेबसाइट है मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कहाँ से अप्लाई करना है, ये है वेबसाइट, मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ पूरी तरीके से, ये है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स लिख रखी हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, डिटेल्स ऑफ टेस्ट क्या है, फी एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिख रखी हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे रखे हैं इसी से रिलेटेड हैं, तो अगर आपको कोई इश्यूज आ रही हैं तो इस नंबर्स पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, इन केस मान लीजिए कि कोई आप फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे वैसे दे रखा है कि जो आपके फोटोग्राफ्स हैं सिग्नेचर्स हैं JPEG फाइल में करना ही है, आप PDF में अपलोड कर रहे हैं किसी दूसरे में अपलोड कर रहे हैं तो वो नहीं ले पाएगा, तो आपको JPEG में अपलोड करना है या JPG फाइल जो कि इमेज की फाइल होती है उसी में अपलोड करिएगा। और बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ये सिक्योरिटी कोड लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके चेकबॉक्स पे टिक करके उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज आ जाएगा और आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करके और उसके बाद नेक्स्ट पेज आप कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे फ़ी कुछ नहीं है फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए, सेकेंड टाइम अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे गाइडेंस मोड पे क्लिक करेंगे तो मेन होम पेज पे फिर से आ जाएंगे। और यस गाइस, अगर आप IPCC के अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं ITT करना या ICITSS करना, तो उसकी कुछ मैंने सैम्पल क्वेश्चंस बना रखे हैं, 1500 क्वेश्चंस हैं, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे रखे हैं, वहाँ के जाके ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर CA फाइनल के स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी नियरली 500 क्वेश्चंस हैं ICITSS और ITT एडवांस ITT और ICITSS एडवांस के लिए, तो वो भी जाकर के चेक कर सकते हैं, तो नीचे इस वीडियो को उसका लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं उसको। देन मैं यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे अनाउंसमेंट निकलती रहेगी तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, तो जो भी डेट्स निकलेगी यहाँ पे उसका जो है अनाउंसमेंट मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट डेट्स। वैसे अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं तो वैसे नोटिफिकेशन जैसी आएगी मैं आपको देता रहूँगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसका सेंटर है, तो इस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। तो फटाफट अभी आप जाकर के अप्लाई कर लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आपने ICITSS एडवांस ICITSS और एडवांस ITT कर रखा है ऑलरेडी और मई 17 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट आप जाकर के और अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरी तरीके से एक बार आप इस फॉर्म को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भी एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाए। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर आप डेट्स देखना चाहते हैं तो पहली वेबसाइट, दोनों वेबसाइट्स का जो दोनों लिंक्स हैं उसका मैं नीचे इस वीडियो के नीचे दे देता हूँ, आप दोनों लिंक्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये तो फिलहाल एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, और ये अनाउंसमेंट थी अभी थोड़ी देर पहले ही, आज ही आई हुई है 5th of January को, थोड़ी देर पहले मतलब 12 बजे के आसपास में इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई करा था।
तो आई थॉट कि मैं मुझे देना चाहिए, और ये जो एग्ज़ाम है ये जल्दी होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 12th इसका लास्ट डेट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, आज से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब 5th of January से लास्ट डेट है 12th of January, और यहाँ पे ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 15th को, और एग्ज़ाम आपका 21st को हो जाएगा। टाइमिंग रहेगी यहाँ पे 10:30 to 12:30। ओके, तो ये अभी आप फटाफट जाइए और ऑनलाइन अपने फॉर्म को फिल करिए। इन केस अगर कोई और भी आपको इश्यूज़ आ रही हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट मेरे को लिखिए, मैं आपको ट्राई करूँगा, आई ट्राई माई बेस्ट उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो अभी तक थैंक यू सो मच, होप करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और आइकॉन भी आपने बेल का आइकॉन प्रेस कर रखा होगा ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।